गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आज पूरे दिन में से आधा दिन मैंने लगा दिया है ये सारी चीजें करने में। आज मुझे करना था एक दिवाली रील, तो उस रील के लिए सारे तैयारी डन। उस दिन तो मैंने कुछ और रंगोली प्लान किया था, पर उसके बाद देखा कि शूटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर उस कॉर्नर में मैं करूँ तो इसे बीचों बीच में लाना चाहिए ताकि कैमरा मैं उस साइड में भी सेट कर पाऊँ, इस साइड में भी और यहाँ पे मैं खुद बैठ पाऊँ। तो सारे चीज़ें मिला के फिर मेरे दिमाग में ये आया और ये मैंने कर लिया। एंड रंगोली तो मुझे बहुत पसंद आया है, पर हाँ, दिवाली से पहले रंगोली, एक दिवाली का जो खुशी है वो एक हफ्ते पहले से ही आ गया। और ये रहा मेरा दिवाली आउटफिट, पानी का बॉटल बीच में। ये घिसा पिटा बारिश के कारण लास्ट 2-4 दिन से गले में इतना दर्द हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अदरक वाली चाय पीनी पड़ेगी। मैं अदरक हमेशा चाय में नहीं डालती हूँ, मुझे मिलती अच्छा लगता है, अच्छे से बनाना भी अच्छा लगता है, पर अदरक हमेशा नहीं डालती। पर कुछ लोग होते हैं जो कि अदरक के बिना चाय पी नहीं पाते, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। पर लास्ट 2-4 दिन से मैं अदरक के साथ ही यूज़ कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। दूध अगर गर्म होता ना तो हो नहीं पाता ये। आज एक्चुअली चाय बनाने में बहुत लेट हो गया क्योंकि मेरा शूट था, और इसके लिए आपको पता है कि सारी चीजें अगर अकेले करने जाऊँ तो कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मित्र का मीटिंग भी स्टार्ट हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं चाय लेके। वैसे मैं भी नहीं पीती कुछ। बनेगा ऑस्कर माइलो का खाना, बाहर के बच्चों का खाना। You put my favorite song on, I put my feet up. मीठो ऑस्कर माइलो के दरवाजे खुलेगा, खाना रेडी हो गया छे। माइलो फूड आर्यन, वो तो बाबा की वही रूम बेडरूम है। तू माइलो के कुछ छेड़े दे, माइलो खाना रेडी हो जाए, चले आशे। मैं ऑस्कर के खाई दीछी। And we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here? Oscar को यहाँ पे बांध के फिर खिलाना पड़ता है, अदरवाइज खाते हुए पूरे घर का चक्कर करता है। और मुझे भी ये गमला लेके पीछे पीछे भागना पड़ता है, एकदम छोटे बच्चे की तरह पूरा घर घूमेगा। कभी यहाँ पे दौड़ने वाला, कभी वहाँ पे दौड़ने वाला, इस तरह से हो गया। फिनिश बेबी। ये मेरा पूरे दिन का फर्स्ट खाना है, अभी दिवाली तक कुछ ऐसे ही चलेगा, दिवाली के बाद फिर से सब कुछ ठीक ठाक होगा। ये खाना कब खाती हूँ कब नहीं, इसका कुछ ठीक नहीं है। कोई भी शॉप ऐसा आप नहीं देखोगे जिसके दरवाजे के सामने नींबू और मिर्ची नहीं है, पर मेरे प्लेट में अनियन और मिर्ची, इसके बिना खाना कुछ हजम नहीं होता। बहुत तीखा है ये वाला, बहुत तीखा है। बहुत दिनों बाद आज भिंडी बना घर पे। लोगों को अचार के साथ खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, रोटी या राइस जो भी खाए अचार साथ में चाहिए चाहिए। जैसे कि मिथुन को अगर अचार मिल जाए ना, दाल के साथ कुछ ना हो तब भी चलेगा, दाल और अचार के साथ राइस खा लेंगे या तो रोटी खा लेंगे। मुझे अचार इतना अच्छा नहीं लगता, नॉर्मली लड़कियों को ज़्यादा अचार वगैरह खट्टा चीज़ें पसंद होते हैं ना, पर मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे अनियन और चिली, जब मैं बिरयानी खाती हूँ साथ में एक मिर्ची चाहिए होता है मुझे, एक नहीं एक दो भी मैं खा लेती हूँ। और अनियन तो ऐसे ही मतलब होता ही है, और साथ में चिली।
शूटिंग के टाइम में मुझे मेकअप करने की जरूरत पड़ती है, पर शूटिंग के एंड में ना तुरंत मेकअप रिमूव करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तब इतना ज्यादा लेथर्जी आ जाता है ना, तब लगता है कि घर पे जो सारे काम बाकी है तो वो सारे कर ले, मतलब घर तो संभाल लू, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद में मेकअप रिमूव कर लेंगे। क्योंकि मेकअप करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है तो लगता है कि ठीक है मेकअप के साथ थोड़ी देर तो रहे, पर एक्चुअली ये बिल्कुल सही नहीं है। मेकअप जितना कम टाइम हो सके अपनी स्किन पे रखना ही सही है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, तो इसलिए अभी एकदम से नाइट टाइम स्किन केयर भी करना है। तो मेकअप रिमूव करने के बाद अभी स्किन केयर करेंगे एंड देन उसके बाद डायरेक्टली बेड में चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग, आज भी आर्यन का ऑनलाइन क्लास है। जब तक बारिश हो रहा है तब तक आर्यन का ऑनलाइन क्लास होगा या तो छुट्टी होगा। तो आर्यन का जबकि ऑनलाइन क्लास है तो मुझे टिफिन बनाने की भी कोई जल्दी नहीं है, तो इस टाइम में थोड़ा अच्छा लगता है जब मुझे टिफिन नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि तब लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। पर कोई बात नहीं, मेरे रेस्ट लेने के लिए आर्यन को रोज़ ऑनलाइन क्लास हो ये भी नहीं चाहती, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता, बच्चे भी थोड़ा इधर उधर उसका नज़र चला ही जाता है। आर्यन का चल रहा है ऑनलाइन क्लास, तो उसे जाके दूध दे के आऊं। तुम्हें भी पीछे पीछे आना है हाँ? यू आर वेलकम। एक ऑस्कर भी आ गया दादा भाई की सेवा में। तो अभी हमारी चाय पीने की बारी, तो चाय ऑलरेडी बन चुकी है, मिथुन भी उठ चुके हैं, तो अभी पियेंगे हम लोग चाय। और आज लंच के लिए तैयारी हो चुका है जल्दी जल्दी। आर्यन का जबकि वर्क फ्रॉम होम बोलने जा रही थी तो ऑनलाइन क्लास है, तो आज कुछ अच्छा बनाएंगे और वो भी आर्यन के पसंद का कुछ। कल रात को ही बोल रहा था, उसका भी प्रिपरेशन हो चुका है सुबह सुबह। मैंने मॉर्निंग वॉक का एक टूर निकाला है, पता है? घर के अंदर ही चक्कर काटो। हाँ, घर के अंदर मैंने नापा ये इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में एक बार आने जाने में 110 फुट होता है। तो मतलब तुम्हारा अगर 30 टाइम्स करेंगे तो दिन का मतलब 1 किलोमीटर, ऐसे अगर 100 टाइम्स एक दिन कर पाएंगे तो 2.5 किलोमीटर। वॉक करना स्टार्ट किया था, ऊपर से नाइट शिफ्ट चालू हो गया, बस सारे मसाले वगैरह प्रिपेयर हो चुका है, पर चिकन आया ही अभी है, तो अभी हमें इसे भी मैरिनेट करके रखना है। लंच का प्रिपरेशन आज जल्दी जल्दी इसलिए किया है क्योंकि आज मेरा और एक शूट है, एक मैट्रेस का शूटिंग है आज, तो तब टाइम नहीं मिलेगा, लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएगा। तो तब प्रिपरेशन कोई अच्छा चीज अगर आप बनाओ ना तो प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं बनता, तो इसलिए सारे प्रिपरेशन सुबह सुबह बना के रखती हूँ। मैं आज बोल मतलब आज ही शायद बोल रही थी ना कि आर्यन का अगर स्कूल नहीं होता है तो अच्छा है, तो इस टाइम पे मुझे लंच प्रिपेयर करना नहीं पड़ता, पर आज ही प्रिपेयर करना पड़ रहा है बिकॉज उस टाइम मुझे याद नहीं था कि आज मेरा शूटिंग भी है। और उसके बाद जब डायरी देखा तो देखा हाँ आज शूटिंग है, पर इसलिए जल्दी जल्दी ड्यूटी कभी किसी को नहीं छोड़ता। तो अभी होगा चिकन मैरिनेशन और ये सारे थाई पीसेस है, ठीक है, विद बोन, बोनलेस थाई पीसेस भी आपको मिल जाएगा, पर मैं बोन के साथ बनाती हूँ क्योंकि कड़ी में अगर बोन्स ना हो ना तो वो टेस्ट नहीं आता, वो जूसीनेस नहीं आता। रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, अभी जाएगा गरम मसाला, टर्मरिक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। You, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song. Actually, ये pieces इतने बड़े बड़े हैं ना, मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा pieces होगा, और ये सारे actually चाप के pieces है, अगर चिकन चाप आप बनाना चाहे तो इसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट pieces है, पर करी के लिए नहीं, तो क्या चाप ही बना लूँ? चाप के लिए तो मसाला कुछ दूसरा चाहिए। चाप खाने में बिल्कुल चाप नहीं होगा। क्या करूं मिथुन, कड़ी बनाऊं या चाप बना लूं? बड़े बड़े पीसेस है एक्चुअली, बड़े पीसेस है तो चाप बनाना ही
ठीक है, तो आपका मसाला सेम है पर उसके साथ कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा एक्चुअली। ड्रम स्टिक को अगर आप अलग कर दो ना इसमें से, उसके बाद जो पोर्शन रहता है वो पूरा एक पोर्शन है। ये देखो चाप के मसाले कुछ अलग टाइप के प्रिपेयर होता है, तो इसके लिए अभी अनियन को अलग से फ्राई करना पड़ेगा। ब्राउन फ्राई करने के बाद कैशू, फ्राइड कैशू, पॉपी सीड्स, इन सब चीज़ों के साथ एक साथ इसे पेस्ट बनाना पड़ेगा। मतलब मिथुन चाप की बात बोल के ना पूरा मुझे चाप में डाल दी। मिथुन चाप तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए हो गया। फ्रिज में कर्ड नहीं है तो कर्ड लाने के लिए दिया है, अभी कर्ड से इसे मैरिनेट करना पड़ेगा। वैसे तो इसमें जिंजर गार्लिक रॉ नहीं डालना चाहिए था। कर्ड ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो इसमें जिंजर गार्लिक एक्चुअली इसके अंदर इसमें फ्राई करके फिर इसका पेस्ट बनाना पड़ता ग्रेवी के लिए। एनीवे क्या कर सकते हैं, बिरयानी मसाला इंस्टेंटली डाल दिया है, अभी इसमें मैं बिरयानी के जो एसेंस है वो डालूंगी। एक्चुअली कुकिंग करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना प्रोसेस होता है, तो मैं इसी तरह से चाप बनाती हूँ। ये मुझे आज सच में चाप दे दिया। चाप मतलब प्रेशर, हम मेमोरी में चाप बोलते हैं। उसके साथ बनेगा बासुंती पुलाव, और राइस को मैंने मैरिनेट करके रखी थी सुबह सुबह, और ये तो छौंक में जाएगा बासुंती पुलाव में। पहले तो चिकन पीसेस को मैं फ्राई कर लूंगी। I can't help but feeling, just loving this moment. चिकन हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद मुझे इसे उठा के रखना है साइड में। Can we stay here forever? I'm loving. And then मुझे सेम ऑयल में ऐड करना है ये मिक्सचर, जो कि फ्राइड अनियन, कैशू एंड पॉपी सीड्स को। और अभी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कर्ड है मैरिनेशन मसाला, तो ये मैं अभी इसमें डाल दूंगी, और साथ में थोड़ा सा पानी भी, इसे क्लीन करके थोड़ा सा पानी जो निकलेगा वो भी इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी देर बाद। और इसका खुशबू अभी बहुत बढ़िया आया है, एंड इसमें से जब ऑयल छोड़ने लगेगा ना तो इसका मतलब मसाला प्रिपेयर हो चुका है। तो अभी एक एक करके ये जो चिकन पीसेस है मैं इसमें डाल दूंगी, एक एक करके से सेट कर देते हैं अभी। एक्चुअली मैं वो सारे मसाले यूज करती हूँ जो कि बिरयानी के लिए चाहिए, वो सारे मसाले मैं चिकन चाप में यूज करती हूँ। इसका जो खुशबू है बिल्कुल बिरयानी जैसा आता है। अभी बस इसे कवर करके कुक करना है, और धीरे धीरे ये होता रहे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और ये जो ग्रेवी है ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मतलब थोड़ा सा चिकन के साथ थोड़ा ड्राई ड्राई जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, बहुत सारे लोग अगर हो तो थोड़ा सा ग्रेवी रखना सही है, पर हम लोग कम लोग हैं और ऊपर से ग्रेवी भी ठीक ठाक है और बहुत ही कम ग्रेवी हम लोग खाते हैं। इस तरह से रेडी है हमारा पुलाव, लगभग रेडी है। ऑस्कर को थोड़ा साइड करके माइलो को ऊपर भेज दो। माइलो बेडरूम जाना है, बेडरूम में। ऑस्कर को अगर ना बांधू ना तो जब भी माइलो ऊपर जाता है तो ये अटैक करता है उस टाइम में। चलो चलते हैं, आ जाओ चलते हैं, कम 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 कम। इसी भी बहुत डरता है ऑस्कर से। ऑस्कर बंद हो भाई, बेबी कम 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 कम, आ जाओ। आते आते रुक गया, आ जाओ बेबी। ऑस्कर हमारे कैसे बाधा आचे? ऑस्कर बाधा आचे। माइलो, माइलो बाधा आचे ऑस्कर, आशो आशो आशो। कम कम कम। इसका खुशबू इतना अच्छा आया है, मैं आपको क्या बताऊं। बाहर अगर जाती हूँ तो जब भी मैं दरवाजा खोल के अंदर आ रही हूँ ना, तो इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि लगता है कोई बीए बाड़ी शादी वाला घर है, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था। वाओ, और इतना सॉफ्ट चिकन। तो अपने बेटे के शादी में तुम ही खाना पकाओगी क्या? पागल हो क्या? कुछ भी। We stay here forever. I'm not... मत कर देना।
शादी में लड़की वाले पूछेंगे माँ कहाँ है, बेटे का माँ कहाँ है, तो खाना बना रही है सबके लिए, बारात के नहीं, बारात नहीं, लड़की वालों के लिए। और चिकन बहुत सॉफ्ट है और गर्म गर्म खाओ तो और भी ज्यादा सॉफ्ट लगता है ना। You as you drive, do you know I'm looking?